दोस्तों, आज जिस जॉब वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो रिलायंस की तरफ से आई है, जो कि एक वेल रिपुटेटेड कंपनी है। इसका आप जियो रिलायंस का सिम भी सुने होंगे, जो कि नंबर वन टेलीकॉम कंपनी है और एक वेल रिपुटेटेड कंपनी है, लीडिंग कंपनी है टेलीकॉम की दुनिया में। तो इसका जॉब वैकेंसी है, इसमें 12th पास लोग भर सकते हो, परमानेंट के लिए आप जॉब पा सकते हो, वो भी वर्क फ्रॉम होम के लिए। जैसे कि कोरोना का सीज़न आया था तो वर्क फ्रॉम होम के लिए कई सारी कंपनियां आपको जॉब दी थी, फिर उसके बाद कोरोना का सीज़न जाते ही वो ऑफिस से जॉब स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम इस जॉब को स्टार्ट करते हो तो आप घर से ही इस जॉब को आगे भी करोगे, चाहे कोरोना रहे या फिर ना रहे, आपका हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम ही हो जाएगा ये जॉब। तो ये जो जॉब है वो कस्टमर सर्विस की जॉब मिलने वाली है आपको, जहाँ पर कि आपको ईमेल चैटिंग के माध्यम से आपको कस्टमर के रिव्यू देने पड़ेंगे या फिर कस्टमर के सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको चैटिंग करके सिर्फ देना पड़ेगा। यहाँ पर नॉन वॉइस वैकेंसी है ये, यहाँ पे मतलब वॉइस का आपको कोई काम नहीं है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह की तरह आपको काम नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ चैटिंग का काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर हम आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होने वाला है, एक्सपीरियंस आपकी कितनी रहने वाली है, सैलरी कितना होने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आप इस फॉर्म को फिल कैसे करो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी जॉब और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से जो जॉब वैकेंसी आई है, एक वेल रिपुटेटेड कंपनी की तरफ से आई, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर देख सकते हो। तो इस चलिए जॉब के बारे में बताते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी जो है, एक इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए और आप 12th पास आउट होने चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो आपसे 1 ईयर से लेकर 5 ईयर की एक्सपीरियंस मांगता है। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास 6 मंथ की होनी चाहिए। आप 6 मंथ की कहीं भी एक्सपीरियंस है, कहीं भी काम किए तो यहाँ पर आप ज्वाइनिंग करा सकते हो। और अगर सैलरी की बात करें तो 2,20,000 आपकी मिनिमम सैलरी है, उसके बाद आपकी जो सैलरी है मैक्सिमम आपका चला जाएगा 3 लाख पर एनम तक। आपका एक बहुत अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको घर से परमानेंट के लिए काम मिल जाएगा। आपका कोई भी सीज़न रहे, चाहे कोरोना का सीज़न ख़त्म होता हो चाहे नहीं होता हो, आपका परमानेंट के लिए वर्क फ्रॉम हो जाएगा, आपको ऑफिस वर्क करना ही नहीं है। और आगे बात करते हैं कि इसमें आपकी जो है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आपने किसी कंपनी में 6 महीने तक काम किया है। मिनिमम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने का रहना चाहिए। सर्टिफिकेट में आपको क्या दिखाना होगा कि आप अपना पेमेंट का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो या फिर बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि किस कंपनी से आपको पैसे आए हैं, ये आप दिखा सकते हो अपना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपके पास 6 मंथ की एक्सपीरियंस है। तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग की, कि शिफ्टिंग आपकी कैसी रहने वाली। तो शिफ्टिंग आपकी जो है वो अल्टरनेट रहेगा, जैसे कि 1 हफ्ते की आपका डे शिफ्ट रहेगा, 1 हफ्ते के लिए आपका नाइट शिफ्ट रहेगा, और हफ्ते में आपका 1 दिन रेस्ट रहेगा, उसके बाद 6 दिन तक आपका सिर्फ काम रहता है। हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट रहेगा, संडे या फिर किसी और दिन का आपको दिन बता दिया जाएगा, उस दिन का आपका रेस्ट रहेगा और 6 दिन तक आपको काम करने होंगे, और अल्टरनेट डे और नाइट आपका चलता रहेगा। 1 हफ्ता दिन का काम रहेगा और 1 हफ्ता रात का काम रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी स्किल क्या रहने वाली है। यहाँ पे आपको स्किल की कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। तो स्किल में आपको बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज आना चाहिए, MS Excel वगैरह आना चाहिए, और थोड़ी सी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कि आपको MS Excel और Windows 10 आपके पास होना चाहिए, जिसको Windows 10 को आपको चलाने आना चाहिए। आपके पास अगर बात करें कि किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कि Windows 10 इंस्टॉल हो, जिससे कि कंपनी की साइट उसमें चल सके। Windows 10 की आपके पास वर्जन की लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होगा तभी आपका कंपनी का साइट वहाँ पर आपका चलेगा, वरना नहीं चल पाएगा और कोई विंडो में पे। तो चलिए आप बात कर लेते हैं, अगर आप इस जॉब को करना चाहते हो तो आप कैसे इस जॉब को फेल करोगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आप इस जॉब को अप्लाई कैसे करोगे। तो दोस्तों, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर कि क्लिक करते ही आप कंपनी की वेबसाइट पेज पर चले जाओगे। वेबसाइट पेज पर जाने के बाद वहाँ पर अपना रिज्यूम सबमिट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरा अपना रिज्यूम बना के आपको कंपनी में डाल देने होंगे, सबमिट कर देने होंगे, जहाँ से कि HR से आपका कॉन्टैक्ट होगा, आपको ईमेल उसमें मांगा जाएगा, ईमेल पे आपके मैसेज आ जाएगा, मैसेज आएगा, इंटरव्यू का टाइम फिक्स किया जाएगा और इंटरव्यू का डे फिक्स किया जाएगा। आपको उस समय अवेलेबल होना पड़ेगा और इंटरव्यू होगा, जिसमें आप पास होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और अगर बात करें इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू में आपके जो है कि कम्युनिकेशन स्किल चेक किए जाएंगे, कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है या नहीं, यही सारी चीज़ें बस चेक किए जाएंगे। ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता, जो कि आप आसानी से पास आउट कर लोगे। अगर आप इस जॉब के लिए भरने के लिए सोच रहे हो तो ज़रूर भर दीजिए, अगर 12th पास हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये एक अच्छी कंपनी है, जिसमें अगर जॉब आप लगते हो तो आगे आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए जॉब की वैकेंसी के साथ, और उम्मीद करते हैं अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करो तो आपका जॉब पक्का लग जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।